जिस केजरीवाल की दिल्ली की जनता थी दीवानी। पहले फ्री की बिजली, फिर फ्री का पानी, आसमान से हुई बारिश, जनता को याद आई नानी। देखते रहे केजरीवाल, जनता के घरों में भर गया पानी। जिनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं, जनता को विकास के नाम पर वो मुफ्त की रेबड़ी बांट कर बेवकूफ बनाते हैं। वहीं उस जनता के विकास के लिए आए पैसे को वो विज्ञापन पर उड़ाते हैं। नाम है देश के ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल डूबती हुई दिल्ली में भी एक गेम खेल रहे हैं। उस गेम के बारे में हम आपको बताएंगे। आज वही केजरीवाल अपनी जनता को मुसीबत से नहीं बचा पाए तो दिल्ली का बंटा धार कर दिया। आज वही अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली की जनता को मुसीबतों से नहीं बचा पाए और दिल्ली का बंटा धार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली को संभाल नहीं पाए और सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। साथ ही कहते हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विजन है, वो देश का विकास कर देंगे। एक पढ़ा लिखा सीएम करीब 10 साल तक दिल्ली का सीएम रहा, मगर आज दिल्ली डूब रही है। वहीं खुद को ईमानदार बताने वाला ये सीएम दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने में जुटा है। वहीं राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सरकार बनाने का सपना देखता है। आप ही बताइए कि ऐसे व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो देश के क्या हालात होंगे। देश की राजधानी दिल्ली को देश के इकलौते ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल ने लंदन पेरिस बनाने का सपना दिखाया था। लगभग 10 साल तक अरविंद केजरीवाल सत्ता में रहे, लेकिन फिर भी दिल्ली डूब गई। यहां दिल्ली के वो इलाके जिनसे दिल्ली की पहचान है, वो इलाके भी पानी में डूब गए। वहीं आपको बता दें कि जैसा अरविंद केजरीवाल और उनके बड़बोले नेताओं की हमेशा की आदत है कि करेंगे कुछ नहीं, अगर कुछ होगा तो उसके लिए बहाना लगाते हुए बड़ी जल्दी ही सामने आ जाते हैं। ठीक वैसे जैसे स्कूल जाने से बचने के लिए बच्चे बहाने लगाते हैं, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई को विकास पर लगाने की बजाय विज्ञापन पर लगा दिया और जनता को भिखारी बना दिया। फ्री की बिजली, फ्री का पानी, विकास के नाम पर कुछ नहीं है जानी। बस सत्ता पाने के लालच में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को फ्री फ्री की रेबड़ी बांटकर उसे भिखारी बनाने का काम किया। दिल्ली के विकास के लिए आए पैसे को विज्ञापन के नाम पर उड़ा दिया गया और अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से बस सत्ता चाहते थे और सत्ता आज भी हाथ में है। क्योंकि जब आज दिल्ली के बहुत से इलाके पानी में डूब रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जनता के विकास के करोड़ों रुपए से बने शीश महल में सुकून की नींद सो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली की जनता जिसे अरविंद केजरीवाल ने लंदन पेरिस बनाने का सपना दिखाया, वही जनता आज गाली दे रही है और फूट फूट कर रो रही है। यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वहीं आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का फेवरेट गेम भी आपको बता देते हैं। अपनी नाकामियों को केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा ही करते आए, चाहे वो पॉल्यूशन हो या कोरोना या फिर अब बारिश बाढ़ हो। हर तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरे राज्यों पर और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं, जबकि ये मानने को आज भी तैयार नहीं कि जो हालत आज दिल्ली की हुई उसके लिए दिल्ली सरकार खुद जिम्मेदार है। देश की राजधानी में आसमान से हुई बारिश की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो गई। जनता दर्द से कराह रही है, क्योंकि जिस आशियाने को गरीब लोगों ने बड़ी ही मेहनत से बनाया था, आज उसी आशियाने को दिल्ली में हुई भीषण बारिश ने उजाड़ दिया है। आज उन लोगों के सामान, उन लोगों का घर, उन लोगों का सपना सब पानी में बह गया। मगर देखिए देश के पढ़े लिखे सीएम का दिमाग कि जब प्रदूषण अधिक हो जाता है तो पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अब जब बाढ़ की स्थिति पैदा हुई तो फिर भी हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया, क्योंकि पंजाब में तो खुद ही की सरकार है तो उस पर ठीकरा फोड़ नहीं सकते। जबकि भ्रष्टाचार सामने आता है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो केंद्र सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। ये कहकर केंद्र सरकार और देश की जांच एजेंसियों पर सवाल उठा देते हैं। राजधानी दिल्ली के हालत आज क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। खाने खाने के लिए वो जनता मोहताज है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों में फंसे हैं और भूख से बच्चे बिलख विलख कर रो रहे हैं। एक दिल्ली के ईमानदार सीएम केजरीवाल हैं जो जनता को अब भी बेवकूफ बनाने की कोशिश में जुटे हैं। जिस जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, आज वही जनता अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता केंद्र सरकार पर आज भी आरोप लगाने में जुटे हैं। दिल्ली की हुई हालत पर आप क्या सोचते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।